sisters and brothers at the very outset i would like to congratulate you all on this momentous occasion when we are celebrating 75th year of indian independence as well as 75th year of indo russia diplomatic relations and uh, to celebrate the event today we have organized international conference and this International conference will reflect upon these ties and their reflection in our art, culture, and literature. And part of this international conference, today we have unveiled the burst of. Great humanist, social reformer, revolutionary, poet, and writer, Sahitya Bhushan Loka Shahir Nabho Satheji. At this juncture, I would uh, like to. रिक्वेस्ट द interpreter, द ट्रांसलेटर टू टेक सम रेस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी मैं सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आज हमने जहां एक और अण्णा जी का एक पुतला एक स्टैचू उसका उद्घाटन किया है वहीं उनकी पुस्तक का भी विमोचन रशियन भाषा में हमने यहां पर किया है और जैसा मैंने इससे पहले भी कहा अण्णा भाऊ साठे जी के किताबों में उनके साहित्य में उनकी कविताओं में उनके पुवाड़ों में जीवन का वास्तव नजर आता है कई बार कई लेखक होते हैं जो बहुत सुंदर लिखते हैं, सटीक लिखते हैं। उनका परीक्षण और निरीक्षण उनका ऑब्जर्वेशन ये बहुत सटीक होता है किंतु अण्णा भा साठे जी की लेखनी सटीक इसलिए थी कि जो उन्होंने लिखा वो उन्होंने जिया उस हर प्रताड़ना से वो गुजरे उस हर दुख को उन्होंने सहा उस दुख को जिया उस दुख को महसूस किया और इसीलिए उनकी अभिव्यक्ति में हमको एक प्रकार से उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है उसकी धार नजर आती है और एक ऐसा व्यक्ति जो उम्र के ग्यारहवें साल दो किलोमीटर पैदल चलते हुए मुंबई पहुंचता है और पहुंचने के बाद कोई ठिकाना नहीं है पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं है सामाजिक असमता के कारण छुआछूत के कारण पढ़ाई से बाहर रखा गया है ऐसा आदमी आकर जो काम मिलेगा वो काम करता है कभी कपड़े बेचने का काम कभी कपड़े उठाने का काम कभी हमाली का काम कभी मजदूरी का काम ऐसा काम करते हुए जीवन जीते हुए वो अपनी प्रतिभा के भरबूते पर जब उन सब दुखों को अपनी लेखनी में लाता है तो उसमें से एक ऐसा साहित्य तैयार होता है जो साहित्य न केवल हर व्यक्ति के मन को छूता है अपितु वो साहित्य लोगों में क्रांति की ज्योत भी एक प्रकार से तैयार करता है और इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कि जिनको लौकिक अर्थ से पढ़ने का मौका नहीं मिला उनका साहित्य देश और दुनिया की 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और आज हम देखते हैं कि रशिया में उनके साहित्य को सराहा जाता है भारत ही नहीं तो रशिया की यूनिवर्सिटी में भी उनके साहित्य को पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें जीवन का वास्तव है उसमें दर्द है और विशेष रूप से उन्होंने जिस प्रकार से पोवाड़ों के माध्यम से लोकगीतों के माध्यम से लोगों को क्रांति के साथ जोड़ा भारत की स्वतंत्रता हो गोवा की मुक्ति हो या संयुक्त महाराष्ट्र का अभियान हो इसमें जिस प्रकार से आम आदमी को उन्होंने जोड़ा मैं ऐसा मानता हूं कि यह उनके साहित्य की महानता है भारत के कुछ ऐसे वास्तव जिस पर हम गर्व नहीं कर सकते जिसको हमने बदला है ऐसे वास्तवों को सामने लाने का काम उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है और जिस समय रूस में उनको रशिया में उनको बुलाया गया पहले तो जब बुलाया गया वो जा नहीं पाए क्योंकि सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे तो वीजा के लिए परमिशन ही नहीं मिली लेकिन बाद में उनका कद और बढ़ा और उनको रशिया में आने का मौका मिला और यहां आने के बाद भी जो सटीक वर्णन उन्होंने अपने प्रवास वर्णन में लिखा है क्योंकि अण्णा बहु साठे के ऊपर बहुत ज्यादा लेनिन के आंदोलन के का एक उनको आकर्षण था उसका प्रभाव था और वो ये मानते थे कि जिस प्रकार से मजदूरों की कामगारों की क्रांति यहां हुई है उस प्रकार की क्रांति भारत में भी होनी चाहिए और इसीलिए इन सब बातों को सामने लेकर उस आकर्षण के साथ वो यहाँ आए और यहाँ की हर चीज को उन्होंने बहुत सटीकता के साथ उस प्रवास वर्णन में जब विमान में वो बैठे तब से लेकर तो वापस जाने तक का सारा जो वर्णन है अगर कोई उसको पढ़ता है तो है तो किताब लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग कोई मानो एक पिक्चर देख रहे हैं इतनी सटीकता के साथ माइन्यूटेस्ट डिटेल जिसको हम कहते हैं बिल्कुल सूक्ष्म इस प्रकार की सारी चीजें हमारे सामने उसका चित्र और एक एक व्यक्ति का चरित्र हमारे सामने उन्होंने लाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आने के बाद भी अपना हुनर अपना फन वो भूले नहीं तो यहाँ पर आकर रशिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा गाने का काम वो भी लोकशाहिर अण्णा भाव साठे जी ने किया ये मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका एक समर्पण है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों से वे प्रभावित थे और वो ये मानते थे कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का कार्य आगे ले जाने का काम मुझे करना है वो दायित्व मेरा है और उस दायित्व को भली भांति निभाने का काम उन्होंने किया और वे हमेशा कहते थे कि मैं काल्पनिक नहीं लिखता मेरे पात्र काल्पनिक नहीं है और फकीरा जैसा पात्र जो उन्हीं के गांव का था कि जो शायद पर शासकों के लिए एक प्रकार से थ्रेट नजर आता था जिसको एक प्रकार से डाकू या लुटेरा बताने का प्रयास वो करते थे लेकिन हमारे लिए वो एक हीरो था हमारे उस समय की सारी समाज व्यवस्था में जिस प्रकार से फकीरा का चित्रण उन्होंने किया है मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही यथार्थ इस प्रकार का चित्र हमारे सामने उन्होंने लाया है और ऐसे लोक शायर अण्णा बहु साठे जिनके किताबों पर पांच फिल्में बनी है और लोक कला को अलग अलग आयामों में लोक जागृति के लिए किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं ये हमारे सामने उन्होंने रखा है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का ये दिन बहुत ही हिस्टोरिकल है बहुत ही ऐतिहासिक है महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या या सुपुत्राचं आज या ठिकाणी गौरव होतो आहे ही महाराष्ट्राकरता एक अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे भारताकरता तर आहेच पण महाराष्ट्राकरता त्याहीपेक्षा जास्त अभिमानाची गोष्ट आहे वाटेगाव सारख्या छोट्याशा गावातला हा एक अतिशय लहान बालक या ठिकाणी आज एक इतिहास रचतो आहे आणि मी विशेष आभार मानेन या स्टेट युनिव्हर्सिटीचे मुंबई विद्यापीठाचे मिलेनियम चेंबर ऑफ कॉमर्सचे की या संपूर्ण इतिहासाचा भागीदार होण्याची संधी मला दिली मला असं वाटतं की काही ना काही चांगलं काम माझ्या हातून घडलं असेल म्हणूनच आज मला हा बहुमान मिळाला की रशियामधल्या स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये माझ्या हस्ते आणि इतक्या चांगल्या लोकांच्या उपस्थितीमध्ये आज अण्णाभाऊ साठेंचा पुतळा या ठिकाणी त्याचं अनावरण झालं आहे मी केवळ जाता जाता या ठिकाणी आपण काही त्यांचे साहित्यातले काही गोष्टी वाचल्या आहेत पण एक इंग्रजीत ट्रान्सलेट केलेलं एक त्या ठिकाणी बारबद्याचा कंजारी या त्यांच्या अतिशय प्रसिद्ध अशा एका कथेतलं त्याचं इंग्रजी भाषांतर या ठिकाणी वाचतो अन्नाभो राईट्स दॅट द लाईफ आय लिव्ह सी अॅन एक्सपिरियन्स इज द लाईफ आय राईट अबाउट नो बर्ड एम आय टू फ्लाय ऑन द विंग्ज ऑफ फँटसी आय एम अ फ्रॉग Close to the ground, when Barbadia's ear was cut off, and I was sitting in the dark and watching Sultan, Omikia, and I were in Amravati jail, all facing murder charges. Mukul Mulani still calls me Mama, Uncle. The Tuka who ate the donkey out of anger is still alive. All my characters are real and alive. मला असं वाटतं की या एका त्यांच्या पॅरेग्राफमध्ये त्यांच्या साहित्यामध्ये फँटसीपेक्षा रिॲलिटी जास्त होती हे आपल्याला पाहायला मिळतं अशा अण्णाभाऊ साठेंना मी विनम्र अशा प्रकारे या ठिकाणी आदरांजली अर्पित करतो पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासनं अभिनंदन करतो आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत जय रशिया